जिस तरह से लालू यादव को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, क्या कहेंगे, गिरफ्तारी हुई है उनकी? पप्पू यादव जी के साथ साथ हमारे कई करीब एक डेढ़ दर्जन साथियों का गिरफ्तारी आज हुआ है। जिस प्रकार से पुलिस का ये तानाशाह रवैया आज सामने आया है, अधिकारों की बात करने पर वाटर कैनन, लाठियां, बैरिकेड का इस्तेमाल किया गया। हम ये कोई गलत बात करने नहीं उतरे थे। हम आज राज्यपाल राजभवन मार्च के माध्यम से राज्यपाल महोदय से ये सब और सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहते थे कि बिहार में बेरोजगारी क्यों, बिहार के अंदर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, बिहार के अंदर सभी परीक्षाओं में धांधलियां क्यों हो रही है, और जब अधिकार की बात करने सड़क पर अभ्यर्थी उतरते तो उनको लाठियों से क्यों पीटा जाता है, महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, बालिका गृह कांड में बच्चियों के साथ रेप और शोषण क्यों किया जा रहा है। ये सवाल बिहारियों के अधिकार के सवाल, ये बिहारियों के अस्मिता के लिए सवाल था, बिहारियों के लिए सवाल था, ये बिहार का सवाल था, बिहार की जनता का सवाल था। आज उस सवाल को दबाने के लिए नीतीश कुमार ने डर से पुलिस प्रशासन बल को आगे किया और जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये हिटलर शाही दिखाया इन्होंने, और इन्होंने वाटर कैनन, लाठियां, डंडे और उसके बाद अंत तक गिरफ्तार हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। और ये अधिकार लेकर रहेगी, अन्यथा ये आपको सत्ता से उतार कर फेंक दे। आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? हमारा लड़ाई अभी जारी रहेगा, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और इस पर नीतीश कुमार जी से मैंने ये बोला है कि आपने जिस प्रकार से विशेष राज्य के दर्जा को लेकर आपका जो दोहरा चरित्र दोगलापन है, जो एक तरफ आप कहते हैं चित भी हमारा पट भी हमारा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात भी कर रहे हैं आप, और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये भाजपा उसके साथ सत्ता भी चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपका ये दोगलापन नहीं चलेगा। अगर आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करनी है तो आपको सत्ता से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। और बिहारियों का अधिकार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कोई भीख नहीं है, बिहारियों का अधिकार है कि विशेष राज्य का दर्जा उसको मिलना चाहिए। बिहारियों के साथ अपमान हो रहा है पूरे देश में, बिहारियों का शोषण हो रहा है पूरे देश में, बिहारियों का बिहार के पास रोजगार नहीं, बिहार की जनता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। निश्चित रूप से हम मरेंगे या नीतीश कुमार जी अगर हमारी आवाज को दबाना तो हमारा गला दबा दो, जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ते रहेंगे और ये हमें अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये वाटर कैनन और लाठियां सब हमें नहीं रोक पाएंगे। तकरीबन गिरफ्तारी हुई है, डेढ़ दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तत्काल, और अभी आंदोलन हमारा जारी है। पप्पू यादव जी स्वयं गिरफ्तार हुए हैं। गोली चलाओ ना रे, गोली चलाओ ना, गोली नहीं है क्या? ये सरकार के गोली पहले फायरिंग होता है। अरे हम लोग जेल जाने से डरते हैं महाराज, ये जेल तो मेरा घर है, ये सड़क तो मेरा अपना दूरा है। देखिए उनके जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जेल जाने से हमें डर नहीं है, कोई डर नहीं है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद भी उनको इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि बिहार के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि उनको हिरासत में लिया गया। नहीं नहीं, ये राजभवन जा रहा है, अगर ये प्रशासन अरेस्ट करेगा तो प्रशासन से भी लंबी लड़ाई होगी। चोर प्रशासन है वो, शराब माफिया के संरक्षण देने वाला है प्रशासन। संख्या में लोग मिलने गए हैं राजभवन में, ये 7 सदस्य टीम गए हैं जो कि हमारे पार्टी के वरीय आला अधिकारी हैं, वो लोग गए हैं मिलने। अगर वहां से समाधान नहीं निकला या फिर नहीं राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्योंकि राज्यपाल अभी तो हम लोग मर गए हैं थोड़े हो, फिर एक ऐसे बड़ा विशाल आंदोलन होगा। लेकिन आपका आंदोलन कारगिल चौक से जेपी तक ही पहुंच पाया है? आंदोलन हुआ नहीं, डरल सरकार मरल सरकार देख नहीं रहे कैसे रोक रहा है। ये सरकार को औकात है तो बालू माफिया को पकड़ के दिखा ना, शराब माफिया को पकड़ के दिखा ना, बलात्कारी को पकड़ के दिखा ना, भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ के दिखा ना, जो बिहार की आवाज उठाता है उनको खाली पकड़ते हैं। लॉलीपॉप लॉलीपॉप खेलते हैं नीतीश कुमार, 70 से पार हो गए, सठिया गए हैं नीतीश कुमार। राम राम जपिए, राम राम। क्या लगता है कितना असर होगा इसका? इसका असर देख नहीं रहे हैं, डरी हुई है। क्या असर होते हैं? इतना असर है कि यहाँ पर कोई, हम न विधायक है हमारा पार्टी का न सांसद है, उसके बाद भीड़ देखिए जनाब। वो दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर पप्पू यादव पहुँच गए हैं और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो तस्वीर देखिए वो पप्पू यादव का, जहाँ पर पप्पू यादव को उनके समर्थक वहाँ पे गिरफ्तारी की जा रही है। पप्पू यादव, मैं बता दूं कि बिहार के लिए हमेशा ही आवाज उठाते रहे हैं,
और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बात करने का भी कोशिश करेंगे क्या पप्पू यादव को गिरफ्तार की गई है क्या तस्वीर वो तस्वीर देखिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है और गाड़ी से ले जाया जा रहा है गाड़ी से ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा रोका गया और पुलिस के द्वारा रोकने के बाद पानी की बौछारें वो तस्वीर देखिए पप्पू यादव का गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा पप्पू यादव चले गए गिरफ्तार की गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि उनके कार्यकर्ता जो समर्थक है यही बैरिकेडिंग पे ही रुके हुए हैं। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके प्रशासन ले गई।